हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं ब्लॉगिंग बहुत टाइम बाद कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। सुबह भी ऐसे हो जा रही है और शाम को भी ऐसे हो जा रही है। तो अभी मेरा हो रहा है ड्यूटी टाइम। तो अभी ड्यूटी जाने के लिए 10-15 मिनट बचे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बात करूँ। और ये दूध ये भी आ गया है तो इसको तो फ्रिज में डाल देंगे। इसे तो रोज की तरह घर बना हुआ है मेरा डार्क रूम क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और ब्लॉगिंग का क्या हो रहा है ना कि मैं आजकल ना ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं शाम को भी थोड़ा लेट ही में आ रही हूँ और दिन भर में मैं बहुत थक जाती हूँ। तो इसकी वजह से फिर मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ। और वीडियोज़ बने हुए हैं फ़ोन पर लेकिन एडिट करने का टाइम ही नहीं हो रहा है। तो आजकल ना फेस पे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते हैं। अगर कुछ करेंगे तो फिर पसीने से सारा सब कुछ निकल जाता है, इसलिए कुछ नहीं। और अभी अगर मैं कुछ लगा के भी जाऊंगी फेस पे तो शाम तक तो मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि कुछ रहता ही नहीं है, इसलिए कुछ लगाना ही नहीं है। गर्मियों में कॉस्मेटिक का खर्चा बचा हुआ है तो इस वजह से। तो अभी मेरे पास वैसा मैं अभी कम्प्लीटली तैयार नहीं हुई हूँ। अभी मेरे पास 15 मिनट बचे हुए हैं जाने के लिए तो मैं रेडी होंगी। और ज़्यादा दूर नहीं जाती हूँ, मैं घर के बाहर ही जाती हूँ। तो वही है कि मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा है तो इस वजह से मैं फिर एडिट नहीं कर पा रही हूँ। तो चलो फिर अभी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और शॉप पर पहुँचती हूँ, फिर बताती हूँ आपको आज शॉप पर क्या क्या हुआ है। तो चलिए फिर। तो ये है मेरा आज का सिंपल सा ब्रेकफास्ट। तो बस पहुंच गई हूँ मैं अपने केमिस्ट में और यहाँ पे ये इन्वर्टर लग रहा है। मतलब जब से ओपनिंग हुई है हॉस्पिटल में इसकी केमिस्ट की, तब से कुछ ना कुछ चला ही जा रहा है। तो इसको सेटल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और यहाँ पे आज इन्वर्टर का काम हो रहा है तो ये इन्वर्टर लग रहा है। और इन्वर्टर लगाने में भी बड़ी महाभारत है, मैं देख चुकी हूँ आज। तो काफ़ी टफ काम है ये करना भी। तो ये सेट हो गया है अभी यहाँ पे इन्वर्टर, और अब इसका कनेक्शन दिया जाएगा। तो ये इन्वर्टर हो चुका है सेट, इसके कनेक्शन भी दिए जा चुके हैं। तो जब तक ये इन्वर्टर लग रहा था तब तक मैंने यहाँ पे थोड़ा सामान को अच्छे से लगा दिया है ऑर्गेनाइज तरीके से। तो जो स्टार्टिंग के 10-15 दिन रहेंगे ना वो थोड़ा हैटिक वाले रहेंगे क्योंकि इतना आपको सारा काउंट करना होता है, सिस्टम में अपडेट करना होता है, तो एक 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 चीज़ को बारीकी से देखना पड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा 10-15 दिन हैटिक के रहेंगे। फिर जैसे ही सिस्टम हमारा रूटीन में आ जाएगा तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। तो बस जस्ट अभी मैं घर आ गई हूँ, अभी 6 बज रहे हैं। और पहले मैं एक रिफ्रेशमेंट ड्रिंक बनाती हूँ अपने लिए, और वो रिफ्रेशमेंट ड्रिंक होती है या तो रूह अफ़ज़ा और या फिर ग्लूकोज, तो कुछ भी पी सकते हैं। तो आज मैं रूह अफ़ज़ा बना रही हूँ और रूह अफ़ज़ा पीऊँगी। बिना इसके तो मतलब काम करना मुश्किल है। तो बस हो गया है रूह अफ़ज़ा रेडी। और आप लोग सोचोगे कि ये कांच के ग्लास में क्यों नहीं बनाया मैंने, स्टील के ग्लास में क्यों बनाया? तो इसलिए बनाया क्योंकि स्टील का ग्लास थोड़ा बड़ा है तो इस वजह से ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए कांच के ग्लास में नहीं बनाया। तो थोड़ा रेस्ट लेने के बाद मैं अब आ गई हूँ किचन में। और आज बन रही है दाल और रोटी, सिंपल सा खाना बन रहा है। और थोड़ी सी भिंडी की सब्जी भी बची हुई है, बस आज हम यही खाना खाएंगे, सिंपल सोबर सा। तो आजकल ऐसा हो रहा है कि भाई फटाफट से काम निपटाओ और अपना जितनी जल्दी निपट सकता है फिर निपटा के फैन के नीचे बैठ जाओ आराम से। तो मैं भी ना जल्दी से जल्दी खाना बनाने की कोशिश करती हूँ कि जल्दी जल्दी बन जाए खाना, फिर मैं बैठ जाऊँ आराम से। लेकिन फिर भी टाइम लग ही जाता है खाना बनाते साढ़े बनाते, सात किचन विचन वो कर समेटते दो। हुए। हाँ तो ये देखिए दाल रेडी हो रही है अभी। कर दिया दे दी तो उन्होंने वापस यार। अच्छा तो अभी कितने रहो, 7.5 करो कि 8 करो? 7.5 कर दो। और दूध का बताती हूँ मैं तुमको कितना, दूध का बता दूंगी मैं तुम्हें कितना। तो लीजिए खाना भी रेडी हो गया है, तो आ जाइए आप लोग भी खाना खाने के लिए। और ये मैंने किचन पहले साफ कर दिया था पूरा, जैसे खाना बनाया था
तो फिर रिलैक्स रहता है। तो बस अभी खाना वाना खा लिया है, सारा काम निपटा दिया है, तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। भाई इतना ही व्लॉग था आज का। तो आप लोग भी सपोर्ट करिए, बहुत मेहनत लग रही है व्लॉग बनाने में भी। अब तो ये हो गया ना कि बस सारे काम एक साथ ही हो रहे हैं, व्लॉगिंग भी, जॉब भी, घर भी, तो सब जगह एंगेज हो रखी हूँ मैं। और तब भी मतलब आप लोगों को भी टाइम देना ही मैंने, ये तो है। तो आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए और बने रहिए मेरे साथ मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए। और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।